बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल करीम अला आलिही व सहबिही अजमाइन। जो भी बहन भाई बच्चे बच्चियां सुन रहे हैं, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। ईद की खुशी हम क्यों मनाते हैं, पहले मैं ये थोड़ा सा वाज़े कर दूं कि रमज़ान का महीना अल्लाह ने पूरा एक हमारे लिए खुशी का महीना बनाया है, जिसमें अल्लाह की जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के बंद कर दिए जाते हैं, शैतान कैद कर दिए जाते हैं, जन्नत को रोज़ाना सजाया जाता है, अल्लाह का अर्श पहले आसमान पे आ जाता है, अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा होता है कोई बख्शिश आने वाला, कोई हाजत मांगने वाला। फ़र्ज 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है और नफल फ़र्ज के बराबर हो जाता है, और नफल और फ़र्ज़ का फ़र्क इतना बड़ा है कि क़यामत तक 2 रकात नफल पढ़ता रहे तो फ़र्ज़ रकात के 1 सजदे के बराबर नहीं। और इसमें जो मर जाते हैं अहले ईमान, उनका हिसाब नहीं होता, उनको कब्र में मुनकर नकीर नहीं आते, अल्लाह ताला उनको मुआफ़ फरमा देता है। इस तरह 29 दिन रात ये सिलसिला चलता है और आखिरी रात फिर अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं कि मेरे बंदों ने रात को क़याम किया, यानी तरावी की नमाज़ पढ़ी, दिन में रोज़ा रखा, तो मैंने इस पर इन सब की बख्शिश फरमा दी। तो इस खुशी में फिर हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के मिलकर 2 नफल अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाया, जहन्नम को हम पे हराम किया, जन्नत को हम पे वाजिब किया। असल तो ईद खुशी की, ईद की खुशी की ये वजह है। आप ईद के लिए गुसल फरमाते थे और अपने कपड़ों में से अच्छे कपड़े मुंतखब फरमाते थे, और फजर की नमाज के बाद आप इशराक नहीं पढ़ते थे इस दिन। बाकी आपकी सारी ज़िंदगी का मामूल था कि फजर के बाद आप इशराक पढ़ते थे, लेकिन इस दिन आप इशराक नहीं पढ़ते थे। गुसल फरमा के फिर कुछ खा के, कोई मीठी चीज़ खजूर ही आमतौर पर होती थी, खजूर खा के फिर आप ईदगाह की तरफ तशरीफ़ ले जाते थे और पहले नमाज पढ़ाते थे, फिर खुतबा होता था, और उसके बाद जिस रास्ते से आप जाते थे उस रास्ते को छोड़कर फिर और रास्ते से घर वापस आते थे, फिर वफूद से मुलाकात करते थे, सरदारों से सहाबा से मुलाकात करते थे, उसमें कुछ खानों का इहतमाम भी होता था। इस तरह एक आम रूटीन की ईद होती थी आपकी, मुलाकातें करना, खानों में जाना और अच्छे कपड़े पहनना, सबको खुशी से मिलना, ये ईद उल फितर पर आपका ये मामूल था। बाकी जो उदासियां हैं, डिप्रेशनें हैं, उसकी वजह आपस की मोहब्बतों का कम हो जाना है और दुनिया की ऐसी दौड़ जिसने अपने आप को भी भुला दिया है, और आपस की नफ़रतें हैं और आपस के बुग़्ज़ हसद हैं, इन मनफी जज्बों ने हमारी खुशियों को धुंधला दिया है। वरना रमज़ान का हर लम्हा खुशी के लिए है और ईद उसकी पीक है, और पूरी ज़िंदगी अल्लाह राज़ी हो रहा हो तो खुशी ही खुशी है। हमें अपने मुल्क से, अपनी नस्ल से आपस की नफ़रतें, हसद, बुग़्ज़ ये मिटाने होंगे, तब जाकर हमें हकीकी खुशियां हासिल होंगी। मैं इस ईद के खुशी के मौका पर अपनी कौम से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि झूठ बोलना छोड़ दें, धोखा देना छोड़ दें और जुल्म करना छोड़ दें। मजहबी नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया, सियासी नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया, सूबाई कौमी नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया, आपस की रंजशों की नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया। मैं सारी कौम के सामने झोली फैलाकर चारों सूबों के रहने वालों से और हर मकतब फ़िक्र से मुतालिक अहले ईमान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आए हम सच्चाई को अपना साथी बनाएं और दयानतदारी से अपने आप को आरास्ता करें और इंसाफ का साथ दें, ना जालिम बने ना जालिम का साथ दें। इस्लाम 2 चीज़ों का मजमुआ है,
एक अल्लाह का हक है जो इबादात की शक्ल में है, और एक अल्लाह के बंदों का हक है जो अखलाकियात और मामलात और मुआशरत की शक्ल में है। ये दोनों कंपल्सरी पेपर हैं, दोनों लाजमी पेपर हैं, इन दोनों में पास होना ज़रूरी है। मेरी नमाज अच्छी है लेकिन मेरी दुकान पे झूठ है, तो नमाज इस झूठ की कमी को पूरा नहीं कर सकेगी। मेरी दुकान पे सच है लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो मेरा ये सच बोलना मेरे नमाज की कमी को पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने दुनिया से जाते हुए दो लफ्ज़ों में सारा दीन बता दिया था। जब आप के जाने का वक्त करीब था तो आप दो लफ्ज़ दोहरा रहे थे, अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत मेरे बाद एक नमाज ना छोड़ना, और एक उम्मत के गरीब मिस्कीन लोगों से, नौकर गुलामों से अच्छा सलूक करना। ये दो अलग अलग डिमांड हैं। जैसे पानी पीने से रोटी की कमी पूरी नहीं हो सकती, और रोटी खाने से पानी की कमी पूरी नहीं हो सकती। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अखलाक को इबादत की कमी पुर नहीं कर सकती, और इबादत की कमी अखलाक को पुर और अखलाक की कमी को इबादत पूरा नहीं कर सकती। इन दोनों चीज़ों में पास होना ज़रूरी है, तब जाकर एक मोतदिल मुआशरा वजूद में आता है। एक हदीस सुना के बात ख़त्म करते हैं। मेरे नबी वजू फरमा रहे थे तो सहाबा आपके वजू का पानी गिरने नहीं दे रहे थे, नीचे से लेकर कोई पी रहा था, कोई मुंह पे मल रहा था, तो आपने फरमाया मा यहमिलुकुम अला हादा, ये क्या कर रहे हो? वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में कर रहे हैं। तो आपने फरमाया मैं तुम्हें बताता हूँ अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला कौन होता है। फलयस्तकिल हदीस इज़ा हदथ, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला वो होता है जो हमेशा सच बोलता है। फल युद्दिल अमानत इज़ा तुमिन, जो हमेशा अमानतदारी से काम लेता है, कभी धोखा फ्रॉड नहीं करता। फल युहसिन जिवारा मन जावरहू, और जो हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करता है, पड़ोसी अपने हों, गैर हों, मुस्लिम हों, नॉन मुस्लिम हों, वो उनके साथ अच्छा सलूक करता है। ये तीन निशानियां हैं इश्क़ रसूल की। ये तीन बातें मेरी कौम अपना ले तो ये अंधेरे उजालों में इंशाल्लाह तब्दील हो जाएंगे। दुनिया के लिए कानून है अल्लाह ताला का कि जिस कौम में इंसाफ, दयानतदारी और सच्चाई होगी उन्हें अल्लाह उरूज देगा, वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। और जिन मुल्कों में, कौमों में बद्यांती होगी, जुल्म होगा, झूठ होगा, वो जवाल का शिकार होंगी। सारी वेस्टर्न दुनिया तो लीड नहीं कर रही, हमारे जैसे मुल्क भी हैं जहाँ ये सारी चीज़ें हैं, तो वो हमारी तरह ही जलील हैं और हमारी तरह ही वो ख्वार हैं। चंद एक मुल्क हैं जिन्होंने इन चीज़ों की रियायत की है, तो वो इस वक्त लीडिंग रोल में हैं, लीडिंग मॉडल में हैं। तो दुनिया के लिहाज से तो ये कानून है कि सच्चाई, दयानतदारी और इंसाफ कौमों को ऊंचा ले जाएगा। आखरत में अल्लाह ताला ने ऐलान किया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। आखरत में कामयाबी का आखिरी फैसला ईमान पे होगा कि अल्लाह ताला का फरमान है मैं शिर्क माफ़ नहीं करूँगा, इसके अलावा मैं जिसे चाहूँ माफ़ कर दूँ। तो हमारी 52 के करीब इस्लामी रियासतें हैं, वो सब बुरी तरह इस जवाल का शिकार हैं, जिसकी बुनियादी वजह ये तीन है जिसको मैं बार बार आपके सामने दोहरा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम।